Good morning students, we will proceed further about the Marathas. The Marathas were defeated by the Ahmad Shah Abdali in the third battle of Panipat. सेवेंटी सिक्सटी बट में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी जो कि अहमद शाह दाली से आ, के द्वारा महाराष्ट्र जो थे वो हार गए और उसके बाद वो वो बहुत ही वीक हो गए डिफरेंट सीट और मराठा पावर अमर्स्ड अंडर डिफरेंट डायनेस्टीज़ और जो मराठा की जो पूरी की पूरी पावर थी वो अलग अलग डायनेस्टीज में डिवाइड होगी जिसमें गायकवर्स हॉलकरस एंड भोसलेस और सिंधियास थे दे हेल्ड टुगेदर एज ए कॉन्फिटी अंडर द पेशवा पेशवा के अंडर वनों को दोनों सारे इकट्ठे हो गए जिसको प्रिंसिपल मिनिस्टर बोला गया और जो कि पूना में बेस्ड थे आफ्टर सेवेंटीज़ पावर स्ट्रगल अमंग द मराठा चीफ्स इंटेंसिफाइड धीरे धीरे उनने आपस में लड़ाइयाँ शुरू होगी उनके चीफ्स में उसका एडवांटेज किसने लिया ब्रिटिश ने लिया और थर्ड एंग्लो मराठा वार जो थी सतारह सौ पचहत्तर से लेकर अठारह सौ अठारह के बीच में शुरू होगी फर्स्ट एंग्लो मराठा वार हुई जो कि मेन काम क्या था पेशवा के सिंहासन को हथियाना द क्लैश इन वॉल्ड दोबारा से हुआ क्लैश मदर ऑफ टू जो कि सपोर्टेड बाय द मराठा चीफ्स अंडर द लीडरशिप ऑफ नाना पंडानविस और ऑन द वन साइड एंड रघुनाथ राय ऑन द अदर साइड पांडनविस के द्वारा और दूसरा रघुनाथ राय के द्वारा जो था उसकी लीडरशिप में ये जो थे मदर ऑफ़ टू को सपोर्ट किया गया रघुनाथ राय को ब्रिटिश सपोर्ट किया आ, लेकिन जो थी जो सारे मराठा किट्ठे हो गए थे उन्होंने ब्रिटिश फोर्सेज को हरा दिया हाउ द ब्रिटिश फोर्सेज कैप्चर अहमदाबाद तक ग्वालियर को उन्होंने कैप्चर कर लिया और सतारह में पीस जो थी वो एक

वॉर कर दी दे हैव टू सब बड़ी अलायंस एज वेल एज एज गिव अवे ऑफ गि पार्ट टेरेटरीज टू अहमदानगर एंड ब्रॉच उनको दे उनको एक्सेप्ट करना पड़ा उनको बहुत सारी अपनी टेरेटरीज अहमदानगर की ब्रॉच की थी उसको देनी पड़ी द ब्रिटिश आल्सो अटैक द हॉलर्स हॉलकर्स के भी उसने अटैक किया जो दे रूल्ड इंदौर दोर बट द वॉर डिड नॉट लीड टू डिव रिजल्ट एज लॉर्ड वेलेसले वाज बैक टू द इंग्लैंड लेकिन वॉर का इतना रिजल्ट नहीं निकला वेलेसले इंग्लैंड वापस चले गए और दोबारा पीस वॉस कंक्लूड विद द हॉलकर हॉलकर के वहाँ पे शांति हो गई उसके बाद थर्ड एंगल मराठा वॉर हुई पेशवा बाजी राव टू ट्राइट टू मिराठा उन्होंने पेशवा बालाजी राव की कोशिश की मराठा की चीज़ को दोबारा से ब्रिटिश अगेंस्ट किया जाए हावा मराठा जो थे फोर्सेस लॉस्ट होगी एंड ऑफिस ऑफ पेशवा वॉस अबुलिस्ड उसका आ, आ, जो ऑफिस था वो खत्म कर दिया गया बाजारे टाव वो डिस्प्यूस उसको खत्म कर दिया और प्रिजेंट कर दिया उसको बीजापुर नियर कानपुर में बिथोर कानपुर के पास और वन ऑफ हिज वाल एज वेल एज टेरेटरीज मराठा चीज पर द ब्रिटिश उसके कुछ सारे जितने भी उसके अंडर राज्य आते थे टेरेटरीज आती थी, थी मराठा के चीफ्स की वो सारे के सारे ब्रिटिश करने चले गए और उस तरह उन्होंने अपना कंट्रोल खो दिया कंक्लूजन क्या है इन द मिडल ऑफ नाइनटीन सेंचुरी द ब्रिटिश बिकेम वेरी पावरफुल एंड दे का ऑलमोस्ट द एंटायर कंट्री को उन्होंने जीत लिया था दस द फेस ऑफ इकोनॉमिक एक्सप्लाटेशन ऑफ इंडिया बिगिन इस तरह से इंडिया का विनाश विनाश होना शुरू हो गया इकोनॉमिक एक्सप्लॉटेशन शुरू होगी मैनुफैक्टर्स इसके लिए लगते हैं एंड सक्सेसफुली इंप्लायड द पॉलिसी डिवाइड एंड रूल ब्रिटिश ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी जो थी वहाँ पर की और इंडियंस वर नॉट यूनाइटेड इन द प्रेजेंस ऑफ द फॉरेन एनिमी जहाँ पे फॉरेन एनिमी से दुश्मन थे वहाँ पे इंडियंस इकट्ठे नहीं हो पा रहे थे ब्रिटिशर्स वर टेक्निकली सुपीरियर टू इंडियंस ब्रिटिशर्स जो थे इंडियन से बहुत ज्यादा सुपीरियर्स थे नन ऑफ द इंडियन रूल्स हाइड स्ट्रॉग नेवी वाइल ब्रिटिश हैव द किंग ऑफ द सीज किसी भी इंडियन रूल के पास इतनी स्ट्रॉन्ग नेवी समुद्री नहीं थी और जो फॉरनर्स के, के पास थी जो ब्रिटिशर्स के पास थी मेरा चैप्टर खत्म हो गया दैट यू हैव टू डू